फोरलेन निर्माण के दूसरे चरण में चंबाघाट मोटर मार्केट को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसे कल तक का समय दिया गया है, जिसके चलते मोटर मार्केट के करीबन 150 मैकेनिक एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। यही कारण है कि दो दशकों से इस मोटर मार्केट में काम कर रहे इन मैकेनिकों के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही हैं। मैकेनिक का काम करते करते उनका इसी मोटर मैकेनिक में आधे से ज्यादा जीवन बीत चुका है, जहां वो किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई और परवरिश के सपने देख रहे थे, लेकिन इस मोटर मार्केट के उजड़ने से उनके ये सभी सपने कांच की तरह चकनाचूर हो चुके हैं। गौरतलब है कि इन्हें ये पता था कि ये मार्केट उजड़ने वाली है, जिसके लिए वह करीबन 6 वर्षों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करते आ रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार ने उनकी मांग की ओर कोई गौर नहीं किया। अब भाजपा सरकार ने उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर देने की बात कही है, लेकिन जब तक ये नगर बसेगा तब तक इतने मैकेनिक अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैकेनिकों ने इस बारे में रोष प्रकट करते हुए कहा कि फोरलेन के चलते आज वह सभी उजड़ने की कगार पर हैं, जिसकी वजह से भविष्य को लेकर बेहद सहमे और डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के मुखिया हैं, सारा परिवार उन पर निर्भर करता है और एकाएक बेरोजगार होने से वह अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि अगर वह उन्हें अस्थायी तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर वर्कशॉप लगाने की अनुमति दे दें तो उन्हें बेरोजगारी की चिंता से मुक्ति मिल सकती है, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री और जिला उपायुक्त को लिखित में आग्रह पत्र दे चुके हैं। मैं यहाँ डेंटिंग पेंट का काम करता हूँ। हमें दिक्कत ये आ रही है कि जब यहाँ से हम उजड़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, और जाने के बाद हम बच्चों का और का भाई बहन है रिश्तेदार ये करने कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमें तो ये इतनी चिंता सता रही है कि अब तो रोजी रोटी की भी हमें चिंता सताने लगी है, और हम तो ये सरकार से चाह रहे हैं जब तक ये मार्केट नहीं बन जाती है, नहीं वहाँ मोटर मार्केट बनती है, तब तक हमें वहाँ बसाया जाए, कम से कम यहाँ उजड़ने से पहले हमें वहाँ स्थापित किया जाए। तो सरकार ने मुआवजा दिया है, वो मालिकों को तो मिल चुका है, लेकिन हमें क्या मिला इतने सालों में यहाँ काम करने के लिए। तो अब तो ये चिंता सताने लगी है कि भी बच्चे भी अब स्कूल जाने हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगे, जिस हिसाब से अगर जैसे उजड़ जाएंगे तो बच्चे तो स्कूल से निकालने पड़ेंगे, या कोई देखना पड़ेगा कि भी कैसे उनको पालेंगे, क्योंकि अब तो रोटी की टेंशन है, बाकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएंगे क्या काम करेंगे। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो जहाँ पर भी उन्होंने हमारे को जगह चयनित करी है वहाँ हमारे को बसा दें। मैं घर में अकेला हूँ, अब कैसे गुजारा करूंगा अपने परिवार का, कहाँ जाऊंगा, और मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। अब मुझे यही चिंता है कि मैं क्या करूंगा। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कहीं हमें जगह दे दे थोड़ा सा काम करने के लिए, ताकि हमारा काम चलता रहे। मैं ना छोटा सा कारोबार करता हूँ चाय का, और मेरे को हो गया 18-19 साल काम करते हुए, और मैं किराए पे रहता हूँ, बच्चा मेरा स्कूल डलता है, और मैं उसके लिए पढ़ाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर करूँगा तो करूँगा क्या करूँगा सर। मैं चाहता हूँ मेरे को छोटा सा काम मिल जाए कहीं, और हमारे को जहाँ सरकार दे रही है वहाँ पे ढाड़ा जैसा बना के दे दी हमारे।